गृह मंत्री जी ने, भारत के गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंच पे नहीं देख पाए कि मंच पे कौन खड़ा है। वो लोग खड़े थे जिन पे आरोप है कि उन्होंने किसान के ऊपर टायरों से चढ़ा करके जान ले ली किसान की। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना, लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जला देना। भैया क्या नहीं, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देश के सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ दिवाली का त्यौहार रोशनी का है, आज के दिन हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मनें। जहाँ हम दिवाली मना रहे हैं वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है। और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। और आज जब अखबार खोल के देखा होगा तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर। किसान संकट में जा रहा है और भारत का, देश का किसान अगर संकट में होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी। आज उत्तर प्रदेश में खाद DAP मिल नहीं रही किसान को। जो किसान लाइन में खड़े थे, कई किसानों की जान चली गई, कुछ लोगों ने फांसी लगा ली। ये हमारा देश और देश का किसान कहाँ जा रहा है आखिरकार। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जनता दुखी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। विलय का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार वो काम करे जिससे प्रोग्रेस आगे। भारतीय जनता पार्टी सड़क चौड़ी नहीं कर पाई, तो शायद हो सकता है जो सड़क चौड़ी नहीं हुई है उसको देखने आए मुख्यमंत्री जी। जो जर्जर पुल हो गया है चंबल का, हो सकता है उसका भी निरीक्षण करने आए। और जो शेर समाजवादी सरकार में यहाँ पैदा हुए हैं, हो सकता है शेरों से भी मिलने जाएं। और मैं तो आपसे कहूँगा, कम से कम अगर शेर से ना मिलें तो मुख्यमंत्री जी कम से कम भालुओं का हालचाल ले लें। अब देखिए, ये जो विधायक गए हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या हुई, भाई की हत्या हुई और कानून व्यवस्था पर ही घेर लिया सरकार को। सोचो किस मजबूरी में गए, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर लिया उन्होंने, खुशहाली आए। ये इटावा जिला वही है जहाँ पर ऐतिहासिक काम हुए हैं। अगर हम दाईं तरफ देखें तो एक्सप्रेसवे बन करके जा रहा है, उस एक्सप्रेसवे के किनारे आपकी मंडियाँ बन गई थी, आज खेत में धान खड़ा है। धान की कीमत कहाँ मिलेगी ये सरकार नहीं बता पा रही है और किसान को मजबूरी में धान बेचना पड़ रहा है। उसको कीमत जो सरकारी तय वो नहीं मिल पा रही है। बिजली महंगी हो गई, खाद है नहीं, DAP है नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, सब्जियाँ महंगी, ज़रूरत की चीज़ हर चीज़ महंगी। और सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और जिस तरीके से कोरोना में और लॉकडाउन में मजदूर और व्यापार ख़त्म हुआ है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने दिनों बाद भी व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ना व्यापारी आगे बढ़ पा रहा है। तो आखिरकार ये आर्थिक संकट किसने पैदा किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया।